यही इस ट्रैक्टर की खासियत है जो कि न्यू मॉडल में है, आयसर 380 सुपर पावर। इसके अलावा इसमें आयसर 380 आर लाइन और सुपर प्लस भी आते हैं जो कि 40 एचपी कैटेगरी के हैं। और ये जो ट्रैक्टर है न्यू लॉन्च ट्रैक्टर है और कंपनी ने इसको 45 हॉर्स पावर के साथ में दिया है। दोस्तों नमस्कार किसान भाइयों, राम राम। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे आयसर 380 सुपर पावर जो कि 3 सिलेंडर 45 हॉर्स पावर के साथ में ट्रैक्टर है दोस्तों, और न्यू लॉन्च ट्रैक्टर है ये आयसर का। अभी आप लोगों को ट्रैक्टर का ओवरऑल पूरा लुक वगैरह दिखाएंगे और क्या क्या कंपनी ने इसमें चेंजिंग किया है पूरी जानकारी आप लोगों को देंगे। तो दोस्तों वीडियो के साथ में बने रहें। भाइयों साइड प्रोफाइल की अगर बात करें तो यहाँ पे आयसर 380 की ब्रांडिंग आपको देखने को मिलती है और उसी के साथ में न्यू ब्रांडिंग आपको सुपर पावर की मिलती है जो कि इसका वेरिएंट है। और यही ट्रैक्टर की खासियत है जो कि न्यू मॉडल में है आयसर 380 सुपर पावर। इसके अलावा इसमें आयसर 380 आर लाइन और सुपर प्लस भी आते हैं जो कि 40 एचपी कैटेगरी के हैं। और ये जो ट्रैक्टर है न्यू लॉन्च ट्रैक्टर है और कंपनी ने इसको 45 हॉर्स पावर के साथ में दिया है दोस्तों। बाकी इंजन जो है इसका 3 सिलेंडर के साथ में है और क्या क्या चेंजिंग की है कंपनी ने आप लोगों को दिखाएंगे। तो पहले आप लोगों को इधर से ट्रैक्टर का लुक दिखा देते हैं। फ्रंट में सेम वहीं आपको लुक देखने को मिलेगा, आयसर का ये लोगो है और हैलोजन हेडलैम्प दी है। दोस्तों माइक्रोबस की इनलाइन फ्यूल पंप दी गई है और वाटर सेपरेटर वगैरह ये देखने को मिल जाता है उसी के साथ में। दोस्तों टायर साइज की अगर बात की जाए तो कंपनी ने इसमें बड़े टायर दिए हैं, आयसर 380 के अन्य मॉडलों से अगर तुलना करें तो इसमें 14 और 28 के टायर दिए हुए हैं। और आगे के जो टायर हैं वो 616 के कंपनी ने दिए हैं दोस्तों। बाकी जो है ट्रैक्टर है डुअल क्लच के साथ में है, 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स गियर के साथ में है। आप लोग देख सकते हैं लो हाई के साथ में है और ये डैशबोर्ड है बिल्कुल जैसे 551 वगैरह में है और सुपर प्लस आयसर 380 में है, सेम वहीं डैशबोर्ड देखने को मिलता है। बाकी लिफ्ट ये आप लोगों को देखने को मिल जाती है जो कि 1800 kg के साथ में है। दोस्तों बैक साइड से आप लोगों को ट्रैक्टर का लुक दिखा देते हैं। तो बैक से आप लोग देख सकते हैं आयसर 380 की ब्रांडिंग देखने को मिलती है और पीछे से काफ़ी भारी ट्रैक्टर लग रहा है क्योंकि टायर पीछे से बड़े हैं जिस कारण थोड़ी सी ऊंचाई भी पीछे से ट्रैक्टर की बढ़ गई है। और लिफ्ट पट्टी वगैरह काफ़ी मजबूत की गई हैं, पहले से मोटाई इनकी बढ़ा दी गई है और यहाँ पर स्टेबल दे दी गई हैं, पहले यहाँ पर चेन वगैरह दी गई होती थी। और लिफ्ट सेंसिंग के लिए यहाँ पे 3 पॉइंट देखने को मिलते हैं और इसमें ये जो प्रेशर की पाइप जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है जिसको पावर वाली ट्राली में आप कनेक्ट कर सकते हैं, ये नई चीज़ है इसमें, पहले नहीं दी जाती थी। बाकी इस साइड से कुछ इस प्रकार से ट्रैक्टर का लुक है। और वहीं ब्रेक की अगर बात की जाए तो ऑयल इमर्स्ड मल्टी डिस्क ब्रेक ट्रैक्टर में मिल जाती हैं और प्लेटफार्म वगैरह ऊंचा प्लेटफार्म है, बाकी फ्लैट प्लेटफार्म नहीं है लेकिन पहले से ऊंचा कंपनी ने किया है इसको और सादी स्टेयरिंग के साथ में है। दोस्तों इंजन की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको जो इंजन मिल रहा है ये सिम्पसन का इंजन है, T3A S325E2F2.4 जो इसका इंजन है E2F2.4 है दोस्तों, जो कि 380 जो दूसरा वाला वेरिएंट है उससे चेंज है जो कि ये 45 हॉर्स पावर के साथ में है और वो 40 हॉर्स पावर के साथ में है। दोस्तों अभी आप लोगों को आयसर 380 जो आर लाइन और जो सुपर प्लस होते हैं उनका इंजन भी आप लोगों को दिखाएंगे, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे लास्ट में जो दिया हुआ है ये है E2F2.4। भाइयों ये आयसर 380 आर लाइन है और इसका आप लोग इंजन देख लीजिए, ये यहाँ पर दिया हुआ है T AAS 325 E1F2.5, उसमें है E2F2.4। तो दोस्तों ये इंजन की इसमें चेंजिंग है, ये 40 हॉर्स पावर वाला इंजन है और वो जो इंजन आपको दिखाया गया है वो ये 45 हॉर्स पावर के साथ में है E2F2.4। तो दोस्तों यही कुछ चेंजिंग है इस ट्रैक्टर की। वैसे देखा जाए तो जैसे आयसर का 480 मॉडल आया था वाटर कूल्ड वाला
सेम उसी से मिलता जुलता इस ट्रैक्टर में आपको इंजन देखने को मिलेगा। दोस्तों ये ट्रैक्टर सादी स्टेयरिंग के साथ में है, मैकेनिकल स्टेयरिंग के साथ में है और पावर स्टेयरिंग का भी वेरिएंट आता है। अगर आप चाहते हैं तो पावर स्टेयरिंग भी ले सकते हैं। तो दोस्तों ये था आयसर 380 सुपर पावर, जो कि 3 सिलेंडर 45 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है, आयसर का न्यू लॉन्च ट्रैक्टर। और कीमत की अगर बात करें तो दोस्तों ये ट्रैक्टर अपने उत्तर प्रदेश में लखीमपुर में 6,60,000 रुपये की कीमत में आपको मिल सकता है। बाकी ट्रैक्टर के बारे में अगर आप कोई जानकारी लेना चाहते हैं या ये ट्रैक्टर ख़रीदना चाहते हैं आयसर का कोई भी, तो दोस्तों शोरूम का कॉन्टैक्ट नंबर आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी और हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद, फिर मिलते हैं किसी एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।